7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था और इसके बाद इजरायली सेना ने गाजा के ऊपर जमीनी आक्रमण कर दिया और तब से लेकर अब तक इजरायली सैनिक गाजा के अलग अलग हिस्सों में डटे हुए हैं। लेकिन फिलहाल इस युद्ध का कोई अंत नजर नहीं आ रहा, बल्कि अब गाजा में इजरायली सेना बैकफुट पर आ चुकी है। उसे अब ये बात समझ में आ गई है कि गाजा से हमास का सफाया करना नामुमकिन है। लेकिन जंग के 9 महीने पूरे होने के बावजूद ये युद्ध किसी मुकाम पर नहीं पहुंचा है, बल्कि अब इजरायली सैनिकों के ऊपर मानसिक रूप से काफी दबाव पड़ रहा है, क्योंकि फ्रंट लाइन पर सैनिकों की अदला बदली नहीं हो रही है, जिससे थके हुए सैनिकों को मानसिक और शारीरिक आराम मिल सके। और इसकी सबसे बड़ी वजह है IDF के पास सैनिकों की कमी। और अब इसी को लेकर इजरायली न्यूज एजेंसी हारेट्स ने एक बड़ा खुलासा किया है। न्यूज एजेंसी का कहना है कि अब इजरायली सैनिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसको लेकर इजरायल ट्रॉमा एंड रेजिलियंसी सेंटर यानी नेटल के आंकड़ों से ये पता चलता है कि उसे इजरायली सैनिकों की तरफ से मानसिक सहायता के लिए आने वाले फोन्स में 6 गुना इजाफा हुआ है और संभावित रूप से आत्महत्या के डर के मामलों में आने वाली कॉल्स में 145% इजाफा हुआ है। बड़ी बात यह है कि नेटल इजरायली रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली मेंटल हेल्पलाइन को संभालती है। और इसको लेकर संस्था के डायरेक्टर गिलिगामिश का कहना है कि कॉल्स और बातचीत बेहद ही गंभीर समस्या का खुलासा करती है, विशेषकर यादगार दिवस और इरलैंड मिर्जाही की आत्महत्या के बाद से। पिछले महीने हमने कॉल्स और उनकी गंभीरता के मामले में भारी उछाल देखा है। ये हालात आने वाले कुछ वक्त तक जारी रह सकते हैं। आपको बता दें कि जून 2024 में 40 साल के IDF के सैनिक मिजराही ने आत्महत्या कर ली थी। उसने ऐसा गाजा में लड़ाई को जारी रखने को लेकर किया था। और इसको लेकर नेटल के डायरेक्टर का कहना है कि ये मामला कई सैनिकों के लिए अहम पड़ाव था। हालिया घटनाएं, विशेषकर मिजराही की हैरान करने वाली और दर्दनाक आत्महत्या से सैनिकों में गंभीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़े हैं। जवानों के भीतर बेचैनी न सिर्फ कॉल्स की संख्या में पता चलती है, बल्कि उनकी तत्काल मदद को भी दर्शाती है। पिछले हफ्ते कॉल सेंटर को 4 फोन आए जिसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति नजर आई और पुलिस द्वारा तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा। नेटल के डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2022 और जून 2023 में हेल्पलाइन ने 35 बार संभावित आत्महत्या के मामलों में पुलिस से संपर्क साधा था और इसके बाद ये आंकड़े बढ़कर 86 तक पहुंच गए, यानी इनमें 145% इजाफा हुआ। और नेटल का डाटा ये भी बताता है कि युद्ध के बाद हेल्पलाइन पर फोन आने की दर 6 गुना ज्यादा बढ़ गई है, जबकि पिछले कुछ हफ्तों में रात में आने वाली कॉल्स 2 गुना हो गई हैं। इसके अलावा नेटल में 1000 से ज्यादा रिजर्वेस्ट थेरेपी ले रहे हैं, जो अभी तक पिछले कुछ हफ्तों में 2000 से ज्यादा रिजर्वेस्ट का इलाज कर चुकी है। नेटल का कहना है कि ड्यूटी से लौटने के बाद अधिकतर रिजर्वेस्ट अपनी सारी ताकत अपनी जिंदगी को सामान्य करने और रोजमर्रा के कार्यों को पूरा करने में लगा देते हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनके भीतर भावनाओं और पिछली यादों का गुबार फूट पड़ता है, जो उनके लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है।